कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य योजना के अंतर्गत हरिद्वार रोड पर नाली और फुटपाथ निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया है। डॉक्टर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि 1.61 किलोमीटर की लंबाई पर 978 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर बताया गया कि 93 पोलों पर विद्युत लाइन शिफ्ट की जा चुकी है, जबकि शेष कार्य अभी जारी है। वहीं उन्होंने कहा कि यह कार्य जून माह में पूरा होना था, लेकिन कार्य पूरा न होने के चलते समय अवधि बढ़ा दी गई है। इन्वेस्टर समिट से पहले सभी कार्य पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। देखिए, आरा घर से और ये हमारा जो काम है और रिस्पना पुल तक, ये लगभग 1600 मीटर का था, जो 9,76,00,000 रुपए का था, जिसमें आप देखें कि ये नाली का काम, साथ में उसमें सड़क का काम, टाइल्स का काम, ये होना था। और ये काम मेरे हिसाब से, जो मुझे बताया गया, ये जून 2023 तक कंप्लीट होना था। अभी हम इसमें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, तो मुझे आज मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, निरीक्षण भी मैंने किया है, क्योंकि जगह जगह मैं पानी भराव भी देख रहा हूँ, जिससे डेंगू की स्थिति जो हम लोग महसूस करते हैं लगातार, उसके कारण लार्वा उत्पन्न होता है, वो मैंने कड़ाई से भी बातचीत की है। साथ में चूँकि आप देखिए लगातार ट्रैफिक जाम रहता है, हालांकि इस परियोजना का मकसद भी यही है कि अभी 2 लेन है, इसको 4 लेन में हम परिवर्तित कर रहे हैं, यानी सरकार की